A very warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. I am Vinay Pandey. Students, today I am going to start the new series of class 11th Mathematics. The first topic of this series is trigonometric functions. अगर बात करें trigonometric functions की तो इससे पहले आपको sets और relation in functions आपके syllabus में लिखा होगा क्योंकि requirement जो demand सबसे ज़्यादा आ रही थी वो trigonometric functions की थी. तो उन chapters को छोड़ते हुए पहले मैं इस trigonometric functions को start कर रहा हूँ. Trigonometric functions में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो relation function से relate करती हैं, like domain and range of any function. What is function? Function word आ रहा है इसमें. तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेशन फंक्शन में देखने को मिलती हैं. तो रिलेशन फंक्शन की जो जो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होती हैं उनको अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे. जब हम रिलेशन फंक्शन में चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या जो यहाँ यहाँ हम पूरी सीरीज देखेंगे जो यहाँ के जितने फंक्शंस हैं उनकी जो डोमेन रेंज है वो कैसे निकालनी है वो हम तब करेंगे जब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे. So, if we talk about trigonometric function, the first topic in this series of trigonometric functions is measurement of an angle. अगर trigonometry की बात करें तो class 10th से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि trigonometry में जैसे ही आप ये trigonometry words सुनते हैं तो आपके दिमाग में वही 6 ratios आते हैं. साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक. ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइंड होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही क्यों होते हैं? ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. तो इन पे न जाते हुए हम क्लास 11th से ही जो यहाँ सिलेबस में इंक्लूडेड है वो टॉपिक से ही शुरू कर रहे हैं. पहला टॉपिक जो इसमें रहता है वो है एंगल. अगर हम एंगल की बात करें तो हाउ कैन वी डिफाइन एनी एंगल? एंगल क्लास 7th 8th से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल, हाउ कैन वी डिफाइन एन एंगल, तो एंगल क्या होगा? इफ यू टेक अ रे ओए या सिंपली आप कह सकते हैं लाइन, इफ दिस लाइन ओए इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर इस लाइन ओए को मैं या इस रे ओए को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ के अबाउट अगर रोटेट करूं तो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप उसको रोटेट कर रहे हो वो पॉइंट फिक्स्ड हो जाएगा. तो ये ओ पॉइंट फिक्स्ड, इसको हमने ऊपर को घुमाया, सपोज हम यहाँ पहुँच गए इसको घुमा करके, दिस पॉइंट इज बी, दिस फिगर जनरेटेड इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी या फिर आप इसको एंगल बी ओ ए ये भी बोलते हैं. क्लास 7th आई थिंक 6th उससे भी पहले से अभी इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एंगल का सिंबल होता है. तो एंगल इज बेसिकली अ रोटेशन ऑफ अ लाइन अबाउट अ फिक्स पॉइंट. दिस लाइन ओ ए इज कॉल्ड इनिशियल साइड, दिस लाइन ओ बी इज कॉल्ड टर्मिनल साइड एंड दिस पॉइंट ओ वेयर द टू लाइन्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स. इस पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. तो ये तो बात हो गई एंगल की कि वॉट इज एन एंगल. अब बात करें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, अगर उसको डिफाइन करना है कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड. ये सिंपली आप बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. अब बात करें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल से पहले अगर हम सिंपली यूनिट्स की बात करें, जैसे हम वेट है या मास है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को मिनट्स सेकंड्स आर में रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपने हर एक पर्टिकुलर यूनिट आपने डिफाइन करी हुई है. तो इसी एंगल के मेजरमेंट के लिए भी कुछ यूनिट्स डिफाइन करी हैं और उसमें
कुछ सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं, जैसे उसमें हमको पढ़ना है हेक्सागेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, पहला सिस्टम ये है, सेकंड है सेंटिसिमल सिस्टम एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट और थर्ड जो मैंने इंग्लिश और सर्कुलर सिस्टम बताए, ये आपको बेसिकली क्लास इलेवेंथ में पढ़ने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वहाँ पे। अब किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ बेस मानना पड़ता है, किसी यूनिट को हम जब भी डिफाइन करते हैं, जैसे आपने टाइम की यूनिट देखी है सेकेंड्स, तो सेकेंड्स कहीं ना कहीं से डिफाइन हुआ है, कुछ बेस मान करके डिफाइन होता है। जैसे वेट है, किलोग्राम जो है, किलोग्राम को आप किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो एंगल का, अगर हम एंगल की सिंपली बात करें, तो एंगल का मेजरमेंट क्या है, एक लाइन का जो रोटेशन होने के बाद जो एंगल परफॉर्म हुआ है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको याद कर लेनी है, दो तरीके के रोटेशन हो सकते हैं, या तो आप लाइन को इस तरीके से रोटेट करवाएं, या लाइन नीचे की डायरेक्शन में रोटेट होकर के इस तरीके से एंगल बन जाए। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो जो एंगल का साइन है उसको लिया जाता है पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल का जो साइन है इसको हम लेते हैं नेगेटिव। इसको आप याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेशन ले रहे हैं, तो आपको एंगल का साइन पॉजिटिव लेना होगा, और इस तरीके से अगर हम साइन ले रहे हैं, तो हमको एंगल का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसको एक बेसिक आपको याद रखना है। दूसरा, एंगल के मेजरमेंट की बात करें, तो छोटी क्लासेस से आप सिर्फ एक यूनिट इसकी पढ़ के आए हुए हैं, वो है डिग्री, कि एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। क्या सिर्फ डिग्री में ही मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आप एंगल का मेजरमेंट डिग्री के अलावा ग्रेड्स और रेडियन में भी उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये तीन सिस्टम जो है, इन तीन सिस्टम में से दो सिस्टम जो इम्पॉर्टेंट है, वो सिस्टम आपको आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनको हमको पढ़ना है कि एक्चुअली जो डिग्री मेजरमेंट है वो एक्चुअली है क्या, रेडियन मेजरमेंट जो है वो एक्चुअली है क्या, कैसे डिफाइन हुआ है वो। तो आई थिंक आपको एंगल क्लियर है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल क्लियर है, और जो रोटेशंस ऑफ एंगल हैं, किस रोटेशन में आपको कैसा साइन लेना है, वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे शुरू करते हैं, जो तीन सिस्टम हमारे पास हैं उन सिस्टम्स की बात करते हैं। तो ये तीन सिस्टम्स की बात करते हैं हम। जो तीन सिस्टम्स हमारे पास हैं वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम, या इंग्लिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं, सेंटिसिमल सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स को आप नोट कर रहे हैं, और सबसे पहला जो सिस्टम हम लेके चल रहे हैं वो है इंग्लिश सिस्टम, इस पे पहले फोकस करते हैं। और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम है, इसमें जो मेजरमेंट होता है एंगल का, वो होता है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट तो आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो ग्रेड्स हैं वो सेकंड सिस्टम में आते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में आपको रेडियन पढ़ना है। तो डिग्री और रेडियन मेजरमेंट ही आपको याद रखना है। तो अब बात करें डिग्री मेजरमेंट की, तो डिग्री मेजरमेंट एक्चुअल में होता क्या है उसको देखते हैं। इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, यू कैन टेक एनी रेडियस, मैंने वन रेडियस का लिया, तो आप कोई भी रेडियस का एक सर्कल बनाएं। और इस सर्कल को बनाने के बाद क्या करते हैं कि ये जो सर्कल हमने बनाया है, इसके इक्वल 360 पार्ट्स हम करते हैं, समझ रहे हो कि जो सर्कल हमने बनाया है, ये सर्कल में छोटे छोटे पार्ट्स हमने इसके डिवाइड किए, और कितने पार्ट्स हमने बनाए, 360 पार्ट्स बनाए। तो 360 पार्ट्स जब आप बनाओगे, तो
तो इसमें जो पहला पार्ट बनेगा, इसमें जब ये पहला पार्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, हालांकि ये और छोटा होगा क्योंकि 360 पार्ट्स अगर आप इसके कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये जो बहुत छोटा सा पार्ट बनेगा, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री को, डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है। तो 1 डिग्री कैसे डिफाइन हुआ? 1 डिग्री डिफाइन हो रहा है कि 1/360 पार्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ एनी सर्कल। जो सर्कल है उस सर्कल में हमने छोटे छोटे 360 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स किए, तो उसमें कोई भी एक पार्ट आप ले लो, उसमें जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको डिफाइन कर दिया। ये इंग्लिश इसलिए आ रहा है क्योंकि इंग्लिश लोगों ने इसको जनरेट किया था। तो 1 डिग्री यहाँ से डिफाइन हुआ है। 1 डिग्री की हेल्प से बाकी सारे एंगल का हम मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से वो बेस बनता है। तो अगर ये 360 पार्ट्स हैं तो अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स में एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो जब आप एक छोटे से पार्ट को 1 डिग्री बोल रहे हो, ये 1 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा फिर? 90 डिग्री। या फिर मैं सीधा सीधा कहूँ कि ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन के बीच में कितने टोटल पार्ट्स इसके आ जाएंगे पूरे मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक? 90 पार्ट्स। तो 90 पार्ट्स, अगर ये एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोल रहे हैं तो 90 पार्ट्स मिलकर के कितने डिग्री बन जाएंगे? 90 डिग्री। फिर ये भी 90 होगा तो ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये डिग्री मेजरमेंट है। डिग्री मेजरमेंट जो आप 60 डिग्री बनाते हैं, वो 60 डिग्री कैसे बनाते हैं? ये जो हमने 360 पार्ट्स किए थे, इन 360 पार्ट्स में ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं इनके 60 पार्ट्स आप मिला दो। 60 पार्ट्स मिलाओगे जब, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 डिग्री का। 70 पार्ट्स मिलाओगे तो 70 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं, मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना। तो कॉन्सेप्ट में अगर हम जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना होगा कि 1 डिग्री एक्चुअली है क्या। 1 डिग्री इज द 1/360 पार्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ एनी सर्कल। तो जो पूरा सर्कल था उसके हमने 360 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स किए, तो उसमें जो एक पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। अब वो जो पार्ट्स हैं उनको मिलाते रहिए आप, जैसे ये 1 डिग्री है तो ये भी एक पार्ट हमेशा इसमें सब 1 डिग्री के ही रहेंगे। तो 90 पार्ट्स मिलाएंगे तो 90 डिग्री। अब जैसे ये मैंने ले लिया 60 डिग्री का एंगल, अगर 60 डिग्री का एंगल, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इतना ही एंगल मैं नीचे को बनाऊं तो ये -60 डिग्री होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज पॉजिटिव एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट इज निगेटिव एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये है इंग्लिश सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट का जो 1 डिग्री का कंसेप्ट है वो आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री का मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो ये तो बात हो गई एंगल के मेजरमेंट की। और ये सबसे पहला मेजरमेंट हमने क्या पढ़ा है? हेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। अब बात करते हैं ग्रेड्स पे। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, जो सेकंड सिस्टम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं फिलहाल जो सिस्टम आपको बता रहा हूँ वो है सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रेड्स वाला बाद में मैं कवर कर लूँगा। अगर बात करें सर्कुलर सिस्टम में, तो सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट आती है वो है रेडियन। ये रेडियन जो यूनिट है, या पहली बार इस वर्ड को सुनेंगे 11th में। आपने अभी तक पढ़ा है कि एंगल का हम मेजरमेंट सिर्फ डिग्री में करते हैं, तो डिग्री के अलावा भी मेजरमेंट है वो है रेडियन। अब रेडियन कैसे, 1 रेडियन कैसे डिफाइन होता है? फिर इसमें क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है तो ऑब्वियस है कि नाम से आपको पता चल रहा है इन्होंने 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया। देखो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्होंने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यूनिट डिफाइन करने के लिए, किलोग्राम मीटर जो जो यूनिट्स हैं वो डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेस मानना पड़ता है। तो उस बेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने 1 रेडियन जो डिफाइन किया था उसके लिए बेस क्या एक्चुअली लिया हुआ था, उसको देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो 1 रेडियन की अगर हम बात करें, आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। इन्होंने यहाँ पे 1 रेडियस का ही सर्कल लिया था, 1 रेडियस का सर्कल लिया। और 1 रेडियस का सर्कल लेने के बाद ये जो आर्क है,
इस पूरी आर की लेंथ अगर हमको निकालनी है तो हम कैसे निकाल देते हैं, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई इंटू 1 करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा एक्चुअली। 1 रेडियन अगर हमको डिफाइन करना है तो इसमें हमने ये 1 रेडियस इसके लिए है तो हमने यहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद इसको मेजरमेंट करना शुरू किया, ये लेंथ को मेजरमेंट करना शुरू किया, और जहां पर मुझे ये 1 यूनिट मिल गई, वन इट मे बी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, जो रेडियस आपने जिस यूनिट में ली होगी उसी यूनिट में आप इसको भी लेंगे। तो ये 1 यूनिट हमने लिया, ये भी 1 यूनिट लिया, ये लेंथ, और इसको ज्वाइन कर दिया यहां से। इस केस में जो ये एंगल थीटा बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, सी से ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। तो 1 रेडियन एक्चुअली क्या है, द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एंड रेडियस यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ और यूनिट आर्क लेंथ से जो ये एंगल बीच में बन रहा है इसको उन्होंने क्या बोला, 1 रेडियन बोला। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया, उसमें जो आर्क लेंथ ली एक उतनी जितनी रेडियस ली थी उतनी लेंथ की आर्क लेंथ उन्होंने ली, उस आर्क लेंथ में जो एंगल बीच में ये बनेगा उसको, उस एंगल को उन्होंने क्या बोला, 1 रेडियन बोला। क्लियर, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एंड रेडियस यूनिट। तो यूनिट रेडियस और यूनिट लेंथ की आर्क से जो यहां पे एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन का एंगल उन्होंने डिफाइन किया। डिग्री मेजरमेंट क्या था, जो पूरा एक सर्कल था उसके 360 छोटे छोटे पार्ट थे, उसमें एक पार्ट को उन्होंने 1 डिग्री बोला। रेडियन क्या है, रेडियन है जो यूनिट लेंथ की, जो रेडियस की सर्कल बनाई उसमें यूनिट लेंथ की आर्क लेंथ से जो एंगल सेंटर पे बनेगा ओ पे, ये जो एंगल होगा उस एंगल को उन्होंने क्या बोला, 1 रेडियन बोला। अब अगर हम बात करें कि अगर हमको रेडियन और डिग्री, रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखना है कि हम कैसे डिग्री 60 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, 3 सिस्टम।